हाय फ्रेंड, ये देखिए आज हम आपको मेथी मटर की रेसिपी बताते हैं और आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमने तेल गरम करके लहसुन डाल दिया है और लहसुन को हम चलाएंगे सुनहरा होने तक। ये देखिए मेथी मटर की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट रहती है, तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और ठंड के टाइम पे तो मेथी मटर आपको ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए क्योंकि इसी टाइम पर हमें मेथी मटर मिलती है। 4 महीने की तो मेथी मटर है, तो इसको क्यों छोड़े, खाएं तो जरूर। ये देखिए हमारा लहसुन सुनहरा होने लगा है। बस ऐसे ही आप हमारी वीडियो को प्यार देते रहे तो हम आपके लिए और भी बहुत सारी रेसिपी लेके आएंगे। लोग आपका सपोर्ट किया हमको, ये वीडियो हमने मिट्टी डाल दी है, मिट्टी लहसुन के साथ फ्राई करेंगे, उसका क्या चीनी चली जाएगी तो उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और मतलब बहुत अच्छा लगेगा। हम तो मेथी के साथ पराठे शौक से खाते हैं, हम पराठे भी बनाते हैं थोड़े बहुत। अब ये देखिए मटर, ये मटर हमने रेडी रखी है, इसके साथ में डालते हैं तो ये भी फ्राई होकर बहुत अच्छी लगती है। लहसुन और मिर्ची के साथ में थोड़ी फ्राई हो जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको हम चलाएंगे, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अभी ताजी मटर बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया भी लगती है। ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, लहसुन मिर्ची वगैरह सब मिक्स करके। ये देखिए हमारे खाने फ्राई होने लगे हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आप हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहें ऐसे ही, देखिए और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा यही है कि हमारे व्यूवर्स के लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ और अच्छी से अच्छी चीज़ें बताएं। वो मटर मेथी बहुत हेल्दी भी रहती है, ठंड के समय में तो ये जरूर खाना चाहिए। अब ये देखिए हमने मेथी डाल दी है, मेथी इसके अंदर। अब हम इसको सारी मेथी को निचोड़ के पहले हमने धो लिया था, अब इसका पानी सब निकल गया है और जितना भी पानी हमने थाली में रख दिया है तो ये पानी में सब अच्छी तरह धो के और इसमें बनाएंगे। ये देखिए अब हम इस मेथी को अच्छी तरह चलाएंगे, सब दाने वगैरह सब मिक्स हो जाएगा, लहसुन वगैरह सब, लहसुन का फ्लेवर वगैरह सब इसमें आ जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह मिलाएंगे इसको बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छी लगेगी। हम तो शाम को मुंह धोता है, बस मेथी मटर तो अभी ठंड के टाइम पर दूसरे तीसरे दिन बनती रहती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। अब हम इसको थोड़ा ढक के रख देंगे तो उससे क्या है कि हमारी मेथी थोड़ी गल हो जाएगी, और नमक डाल के रखते हैं हम इसको तो ये थोड़ी अच्छी भी लगेगी। ये देखिए हमने नमक डाल दिया है, नमक हमने तो 1 चम्मच डाला है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको नमक डाल के आप चला दीजिए। ये देखिए ये हमारी मेथी गलने लगी है। बस आप अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये देखिए चलाने में ही हमारी मेथी गलने लगी है और बहुत अच्छी लगी। ये देखिए अब हम इसको ढक के रख देंगे करीबन 5-10 मिनट। ये देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आप। ये हमने